दो साल से भी अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक दोनों ही देशों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। दोनों ही देशों की निर्दोष जनता और बच्चों के साथ ही अब तक काफी संख्या में सैनिक भी मारे गए। हालांकि इस समय यूक्रेन युद्ध के मैदान में बैकफुट पर है और वो हार की तरफ बढ़ रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि युद्ध लंबा खींचने से यूक्रेन के हथियार खत्म होने के कगार पर है और उसके काफी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। अब आगे की लड़ाई के लिए यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियारों और सैनिकों की जरूरत है, लेकिन बड़ी मुश्किल यह है कि यूक्रेन को पश्चिम और नेटो सहयोगियों से न तो हथियार मिल रहे हैं और न ही यूक्रेन के लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं। मंगलवार को प्रकाशित एक इंटरव्यू में यूक्रेन की एक प्रमुख पोलिंग एजेंसी के प्रमुख ने दावा किया कि यूक्रेन के अधिकांश लोग उम्मीद करते हैं कि उनका देश रूस से जीतेगा, लेकिन रूस से लड़ने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए सिर्फ 8% लोग ही तैयार हैं। यूक्रेनी नेतृत्व ने कहा कि वो सेना की संख्या को 5 लाख तक बढ़ाना चाहते हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि फ्रंट लाइन में सैनिकों को राहत देने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है। हालांकि इस बीच यूक्रेन के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि भले ही लोग सेना में भर्ती के लिए यूक्रेन के कम लोग इच्छुक हैं, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए कुछ अन्य देशों के सैनिक खार्किव पहुंच गए हैं। खार्किव पहुंचने वालों में चेचन बटालियन के बंदूकधारी, जॉर्जिया और फ्रांस के साथ साथ रूसी रशिया टेररिस्ट पैरामिलिट्री ग्रुप रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स के लोग हैं। इसके अलावा यूक्रेन पहुंचने वाले अन्य सैनिकों में बाल्टिक राज्यों, चेक गणराज्य, पोलैंड और रोमानिया के नागरिक भी शामिल हैं। ये सैन्य हथियारों के साथ यूक्रेन की धरती पर पहुंचे हैं। अन्य देशों के जो सैनिक यूक्रेन पहुंचे हैं उनसे यूक्रेन को कितनी मजबूती मिलती है और क्या ये रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में सफल होंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन यूक्रेन की धरती पर इनके पहुंचने से वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को राहत जरूर महसूस हो रही होगी। हालांकि यूक्रेनी संसद सैन्य प्रणाली में बदलाव के लिए एक बिल लागू करने पर विचार कर रहा है। अगर बिल लागू किया जाता है तो विदेश में रहने वाले यूक्रेनी पुरुष भर्ती अधिकारी की सहमति के बिना अपने समाप्त हो चुके पासपोर्ट को बदल नहीं पाएंगे। इससे उन्हें अपने देश लौटना पड़ेगा और उन्हें मजबूरन सेना में सेवाएं देनी होंगी।